बड़ी बेटियां कुछ नहीं कर सकती खुद से. हाँ, दे कैन डिफेंड, दे कैन प्रोटेस्ट विद देयर राइट्स, लेकिन जब तक पेरेंट्स ना चाहें दे कैन नॉट राइज. इसलिए मेरा ये मैसेज लड़कियों को नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स को है कि आप अपनी बच्चियों और बेटों में तफरीक ना करें. गर्ल्स हैव मोर पोटेंशियल टू सक्सीड देन बॉयज़. ये हमने PMS में भी देखा, GBPMS में रेशियो तकरीबन गर्ल्स वर मोर देन बॉयज़. तो इसी तरह CSS में आई गॉट फर्स्ट पोजिशन GB में. तो ये इट टेल्स एवरीबडी दैट योर गर्ल्स आर नॉट लीविंग बिहाइंड, इट्स यू हु आर नॉट लेटिंग देम टू गो फार. ठीक है, तो इस वजह से पर्टिकुलरली मैं पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बचपन में उनको घरों के कामों में ना लगाएं, उनको ऑल टाइम बिजी ना रखें इन चीज़ों में, ताकि वो उनका दिमाग ब्रॉडन हो सके, उनको एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ाएं. मैं जब बच्ची थी, जब मैं अपनी स्कूल्स की बुक्स पढ़ती थी, उसके बाद मेरे पास इतना टाइम होता था कि मैं एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ती थी. मैंने रिलीजन का अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आई हैव नॉलेज. इस वजह से कि मैं बचपन में घर के काम करने के बजाय घर में एक रूम में बंद होकर बुक्स पढ़ती थी. तो आई वुड सजेस्ट टू ऑल पेरेंट्स कि आप भी अपनी बेटियों को इनक्रेज करें, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, बुक्स पढ़ें, उसके बाद जो है ना उनको अलाउ करें कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ उसी इंस्टीट्यूट में जाएं जहां आपके बेटे पढ़ते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारी GB की लड़कियाँ बहुत टैलेंटेड हैं और इंशाल्लाह वो बेप्रूफ करेंगी कि दे आर बेटर देन बॉयज़. मैं आई वॉज़ वेरी स्टूडियस स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ने का शौक था. ऑल टाइम मेरा लिखने पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती थी. इवन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू डू पोइट्री, उर्दू में पोइट्री करती थी. लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था जो मुझे CSS में हेल्पफुल हुआ. आई यूज्ड टू एक्सप्रेस माय थॉट्स. मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं ऐसे, आई एम द एल्डेस्ट ग्रैंड चाइल्ड इन माय बोथ पैटर्नल एंड मैटर्नल फैमिली. तो कोई ऐसा था नहीं जिसके साथ यू नो आई कुड शेयर माय फीलिंग्स. तो वट एवर आई हैड इन माय माइंड में मैं वो लिखती थी, साथ पढ़ती थी. और बल्कि जो बुक्स में एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई होती हैं जो यूजली टीचर्स दे डू नॉट रिकमेंड कि वो आप पढ़े, मैं वो भी पढ़ के जाती थी कि क्या पता यू नो इधर से भी क्वेश्चन आ जाए. तो वो एक आपकी लगन होनी चाहिए. आप में आप पढ़ें जिस भी तरह, स्केड्यूल या आपका जो शेड्यूल है वो मैटर नहीं करता, आप जिस भी तरह पढ़ें बस बहुत लगन के साथ आप पढ़ें, दैट्स व्हाट मैटर्स. कॉलेज में मैं गिलगित गई थी, वो एक नया इन्वायरमेंट था मेरे लिए. तो और कॉलेज क्योंकि FSC प्री मेडिकल बहुत एक बोरिंग भी है टाइम पीरियड जहाँ आपको बहुत टफ टाइम फेस करना पड़ता है. तो नॉट मच अबाउट कॉलेज, बट यूनिवर्सिटी में मेरे जो क्लासमेट्स थे माशाल्लाह वो बहुत वेल ग्रूम्ड थे, वेल रेड थे, तो उनकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ. ऑल्सो माई टीचर्स, बट आई वुड डेडिकेट दिस टू माई क्लासमेट्स मोर देन माई टीचर्स, क्योंकि जो मेरी इंग्लिश लर्निंग हुई, उर्दू इवन लैंग्वेज की जो लर्निंग हुई, उसके बाद जो लिटरेचर की एक एनालिटिकल एबिलिटीज़ डेवलप हुई, क्रिटिकल थिंकिंग आई, वो सारी हम क्योंकि क्लास में रोज़ आपस में डिस्कस करते थे टॉपिक्स, तो ये है कि उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई है. ब्राइट फ्यूचर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं होता. सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँ, गिलगित बल्तिस्तान को हम सब ने मिल के तरक्की की राह पे गामजन करना है. वो सिर्फ सिविल सर्विसेज की तरफ आके नहीं हो सकता, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस की तरफ जाएं, अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आपने हर तरफ, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप CSP ऑफिसर हैं, व्हाटसोएवर यू आर इन, आपने अपनी ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, आप सबसे पहले तो अपनी स्टडीज़ कम्प्लीट करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिग्रीज तो कर लेते हैं बट वो उस वर्थ नहीं होते कि वो डिग्री उनको दी जाए. उस काबिलियत के साथ वो पढ़ते नहीं, मेहनत के साथ पढ़ते नहीं, वो डिग्री डिज़र्व नहीं करते, सॉरी टू से. लेकिन ये कहना ज़रूरी है क्योंकि ये एक जो है ना बहुत एक ऐसा एलिमेंट है पूरे पाकिस्तान में कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, बट वो उस एक लगन के साथ, जो शौक के साथ पढ़ते हैं वो चीज़ नहीं है. तो आप बहुत मेहनत के साथ पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, चाहे आप एक सिंपल डिग्री कर रहे हैं, आप उर्दू में करें, इस्लामियात में करें, आप कुछ भी पढ़ें, बट आप ऑनेस्टी के साथ अपना पढ़ें, बेस्ट दें, इंशाल्लाह आपका फ्यूचर ब्राइट है. आप कुछ भी करें, किसी भी फील्ड में जाएँ. थैंक यू. मैं यही मैसेज सबको कि एज अ पर्सन भी आप ऑनेस्ट रहें, सिविल जो है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है GB, क्योंकि आई माइट नॉट हैव अनदर प्लेटफॉर्म जहाँ मैं ये बात कह सकूँ. कि सिर्फ ये बात ब्राइट यूथ के लिए नहीं है या उनके फ्यूचर के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के लिए है. आप नेचर प्रिजर्वेंस का आपको पता है कि किस तरह आपको क्लाइमेट चेंज हो रहा है और सारा कुछ. तो हर जो इंडिविजुअल है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, पानी को ज़ाया ना करें. क्योंकि मैं CSS करके आई हूँ, मुझे इन सारे इश्यूज़ का आइडिया है. तो मैं बहुत ये उस हम्बल रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहती हूँ, पानी का ज़िया ना करें, रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें और
सो इस पूरे एरिया को अपने घर की तरह, जिस तरह आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पूरे एरिया का सोचें और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. थैंक यू. इसलिए जीबी इज डिवाइडेड इनटू थ्री डिवीजन्स, गिलगित डिवीजन और बल्तिस्तान डिवीजन. दे आर कंपैरेटिवली डेवलप्ड और वहाँ पर लिटरेसी रेट भी सही है. सो ओवरऑल ये जज किया जाता है कि जीबी इज़ वेरी डेवलप्ड और बहुत अच्छी लिटरेसी है, एवरीबडी इज़ इन्जॉइंग देयर लाइफ. ऐसा नहीं है. जो दियामा डिवीजन है, जिसमें अस्तोर भी आता है, चिलास वगैरह, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर रिसोर्सेज की भी कमी है. नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड दियर चिल्ड्रन टू गो सिटी से आउट जाएं, वो वहाँ जाके पढ़ें, या इवन यहाँ भी अच्छे स्कूल्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते. सो गवर्नमेंट की आई वुड से कि लिटिल बिट लापरवाही है. वो अपॉर्चुनिटीज़ दें यहाँ पर उन बच्चों को जो टैलेंटेड हैं बट देयर पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड. स्कॉलरशिप्स का एक सिस्टम होना चाहिए, जैसे पूरे पाकिस्तान में स्कॉलरशिप्स का कॉन्सेप्ट है, बट गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है. पंजाब में हम देखते हैं कि हर बच्चे को जो एक सर्टेन मेरिट के ऊपर वो आते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं. वो चीज़ आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए. जो बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं, ऑब्वियसली एक टेस्ट होता है, क्राइटेरिया होता है, जिसके थ्रू वो जाके आपको पता चलता है कि किन बच्चों को आपने सपोर्ट करना है. इसके अलावा स्कूल सिस्टम के जो अंदर क्वालिटी है, लैब सिस्टम नहीं है. मैंने मैट्रिक यहाँ से किया, आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट दिस लैब इज़, कि इसमें क्या होता है, अनलेस कि मैं गिलगित गई और आई सॉ देयर. तो ये चीज़ें यहाँ पर मिस हैं. क्वालिटी एजुकेशन की कमी है. तो ये जो है ना, नॉट यहाँ के जो लोग हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते. इफ़ यू से कि ये अपने बिहाफ पे करेंगे तो दे डू नॉट हैव दैट मच रिसोर्सेज. आप सपोर्ट करें. गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, पॉलिटिशियन से भी रिक्वेस्ट है, जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और NGOs जो हैं, AKRSP और ये आगा खान के जितने भी NGOs हैं, दूसरे NGOs हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट करें बच्चों की तालीम पे. क्योंकि बच्चे तालीम याफ्ता नहीं होंगे तो कोई भी एरिया कभी भी डेवलप नहीं हो सकता. तो क्वालिटी एजुकेशन विद एजुकेशन लिटरेसी रेट ज़रूरी है. थैंक यू.